हेलो फ्रेंड्स, आशा पावर टेक्निकल इन्फॉर्मेशन सेंटर में आप सभी को स्वागत है। आज मैं आशा पावर MPPT चार्ज कंट्रोलर SMU वर्जन 7.6 मॉडल की सेटिंग्स और फीचर्स के बारे में आपको बताना चाहता हूं, और उसकी सेटिंग्स पैरामीटर्स को आप कैसे बदल सकते हैं वो भी बोल देता हूं। फैक्ट्री सेटिंग्स बदलने से पहले MPPT के साथ में जो यूजर मैनुअल आया है उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। आशा पावर की कॉमर्शियल वेबसाइट www.ashapower.in से आप यूजर मैनुअल को डाउनलोड कर सकते हैं। सेटिंग्स बदलने के लिए और प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन के लिए आशा पावर की सक्सेसफुल मॉडल सूर्या 60HV को हम चुने हैं। ये मॉडल अपना नॉर्मल इन्वर्टर को एक सोलर इन्वर्टर बनने वाले SMU फीचर से आया हुआ है। मशीन की डिस्प्ले के ऊपर आप तीन इंडिकेटर देख सकते हो, जिसमें लोड ऑन सोलर, सोलर प्रेजेंस और सोलर चार्जिंग ऑन दिखाई देते हैं। ये मॉडल 12 वोल्ट बैटरी में और 24 वोल्ट बैटरी में बिना कोई स्पेशल सेटिंग्स आप यूज कर सकते हो। ये मशीन के सारे फीचर्स को डिस्प्ले के नीचे जो तीन स्विचेस दिया हुआ है इसे आप कंट्रोल कर सकते हो। कनेक्शन टर्मिनल के नीचे दो स्क्रूज दिया हुआ है, ये दोनों को पहले निकाल देंगे। अप और डाउन स्विचेस, ऑटो ग्रिड बाईपास मोड को ऑन और ऑफ करने के लिए, और एंडर की जो है अपना ग्रिड से इन्वर्टर को सोलर पे फोर्सफुली शिफ्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। टर्मिनल कवर निकालकर आपको टर्मिनल ब्लॉक में सोलर पैनल प्लस माइनस, बैटरी माइनस प्लस, ग्रिड फेस इन आउट स्लॉट्स मिल जाते हैं। पहले टर्मिनल ब्लॉक में बैटरी की नेगेटिव कनेक्शन दे देंगे और पॉजिटिव स्लॉट में पॉजिटिव केबल दे देंगे। एक बीप साउंड के साथ में डिस्प्ले और कूलिंग फैन ऑन हो जाते हैं और MPPT की तीनों LED चालू होकर बंद हो जाते हैं, ताकि आपको पता चलेंगे पूरा फंक्शनैलिटी अभी ठीक है। MPPT की एंडर बटन बार बार प्रेस करके पूरा फैक्ट्री सेटिंग्स वैल्यूज आपको डिस्प्ले में मिल जाएंगे। इसके लिए सेटअप मोड में जाने का जरूरत नहीं है, और उसके साथ में पैनल वोल्ट, बैटरी वोल्ट, एनर्जी टुडे और टोटल यूनिट के साथ साथ में अगर सोलर पैनल की कनेक्शन नहीं हुआ या फिर बाहर रोशनी नहीं है तो डिस्प्ले में नो सनलाइट दिखाई देगा। बैटरी फ्लोट वोल्टेज, बैटरी बल्क वोल्टेज, बैटरी इक्वलाइजेशन वोल्टेज, इक्वलाइजेशन पीरियड दिखाने वाले नंबर ऑफ डेज, MPPT से मिलने वाले जो मैक्सिमम एम्पियर, सोलर प्रायोरिटी मोड जैसे सारे फंक्शन डिस्प्ले में दिखाई देते हैं। अब हम सोलर पैनल कनेक्ट कर देंगे। अभी पैनल वोल्टेज मिलते ही सोलर प्रेजेंस LED जलता है। रेड इंडिकेटर बैटरी चार्जिंग को दिखाता है, और इसका ब्लिंकिंग मतलब अभी चार्जिंग बल्क चार्जिंग मोड में चल रहा है। बल्क चार्जिंग कंप्लीट होकर चार्जिंग फ्लोट चार्जिंग मोड में चला जाता है और रेड LED स्टेडी हो जाता है। जब अपना बैटरी वोल्ट 14.2 वोल्ट पहुंचते हैं, MPPT की ब्लू कलर इंडिकेटर जलता है और अपना लोड सोलर की तरफ से शिफ्ट हो जाते हैं। इसके साथ में जो यूजर गाइड आते हैं इसमें ये सारे फीचर्स क्लियरली बताया गया है। अभी चलिए हम देखते हैं MPPT की फैक्ट्री सेटिंग्स हम कैसे बदले। MPPT का बीच वाली जो ऑटो बाईपास ऑफ बटन को पहले प्रेस करके होल्ड करिए। इसके साथ एंटर की को प्रेस और होल्ड करेंगे तो अपना MPPT सेटअप मोड में चला जाएगा। तीनों LED और कूलिंग फैन चालू हो जाता है। पहले वाली मेनू जो है बैटरी की फ्लोट वोल्टेज सेट करने के लिए है। बैटरी यूजर मैनुअल के अनुसार फ्लोट वोल्टेज की वैल्यू जो है ये अप और डाउन बटन के मदद से हम बदल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन में जाने के लिए एंडर बटन को दबाइए। बैटरी यूजर मैनुअल के अनुसार बैटरी की बल्क वोल्टेज की वैल्यू पहले जैसे आप बदल सकते हो। तीसरा, 14 और 5वां मेनू बैटरी इक्वलाइजेशन वोल्टेज की बाकी फीचर्स को बदलने के लिए है। यूजर मैनुअल में जो निर्देश दिया हुआ है उसी के अनुसार ध्यान से ये तीनों ऑप्शन को बदलें। MPPT का फैक्ट्री सेटिंग्स में
इक्वलाइजेशन चार्जिंग एक्टिव नहीं होगा। अगले मेनू जो है इन्वर्टर में कनेक्ट किया हुआ लोड के अनुसार और बैटरी को जो आउटपुट एम्पियर लगता है उसी के हिसाब से मैक्सिमम एम्पियर वैल्यू आप सेट कर सकते हैं। सातवां ऑप्शन जो है इन्वर्टर के लिए जो ग्रिड पावर जाते हैं उसको कट करके अपना लोड सोलार में चलाने के लिए दिया हुआ है। फैक्ट्री सेटिंग्स में 14.2 वोल्ट में सिस्टम सोलार में शिफ्ट हो जाता है। आठवां मेनू सिस्टम बैटरी डाउन होने के बाद सोलार से वापस ग्रिड पे जाने वाली वोल्टेज को सेट करने के लिए है। सिंगल बैटरी सिस्टम में ये वोल्टेज को 12 वोल्ट में रख देंगे। अगर आपकी बैटरी बैंक वोल्टेज दो बैटरी यानी कि 24 वोल्ट और उसकी ऊपर है तो यह वैल्यू 11.5 वोल्ट तक रख सकते हैं। लोड ऑन सोलार यानी कि ब्लू LED इंडिकेटर ब्लिंक करने का यही मतलब है कि अपना पावर प्लांट सोलार से ग्रिड की तरफ से बदलने वाले हैं। नाइन्थ मेनू में ये वोल्टेज हम बदल सकते हैं। दसवां मेनू में अपना बैटरी बैंक की सिंगल बैटरी का AH को सेट करना है। इलेवेंथ और ट्वेल्थ मेनू MPPT की एम्पियर कैलिब्रेशन और वोल्टेज कैलिब्रेशन के लिए दिया हुआ है, वो जब आपको जरूरत पड़ता है तभी कर दीजिए। MPPT की कैलिब्रेशन यूजर मैनुअल की निर्देश के अनुसार ध्यान से कर दीजिए। 13th मेनू एक्टिवेट करके सिस्टम सोलार पे शिफ्ट होने तक अपना MPPT बैटरी चार्जिंग बैटरी AH की 20% में लिमिट करके बैटरी बैकअप और लाइफ को बढ़ा देते हैं। अगर आपकी बैटरी C20 रेटेड है तो यूजर मैनुअल पढ़कर ऑप्शन 1, 2 या 3 में सेट कर दीजिए। फैक्ट्री सेटिंग्स में ये ऑप्शन एक्टिव नहीं होगा। अगर आपकी बैटरी ज़्यादा AH की C10 सोलार रेटेड है तो ये ऑप्शन एक्टिवेट करने का ज़रूरत नहीं है। 14th मेनू फैक्ट्री सेटिंग्स में ऑप्शन 1 पर डाला हुआ है। इसके वजह से अगर आपके सिस्टम शाम को सोलार से ग्रिड पर चला गया तो दूसरा दिन रोशनी आने तक ग्रिड से सोलार पर शिफ्ट नहीं होगा। और सबसे लास्ट मेनू से अगर आपको सेटिंग्स बदलने के बाद कोई भी गलती या संदेह लगते हो तो इसको नंबर 1 पर डालकर पूरे सेटिंग्स को फैक्ट्री सेटिंग्स में रीसेट कर सकते हैं। सारे सेटिंग्स करने के बाद ऑटो बाईपास मोड ऑन अथवा अप की को प्रेस करके ऑटो बाईपास फीचर को वापस एक्टिवेट करने के लिए मत भूलिएगा। आशा पावर के YouTube चैनल में अपना प्रोडक्ट्स की सारे एक्सप्लेनेशंस और फीचर्स की वीडियो आते रहेंगे। ये वीडियो मिलने के लिए आशा पावर की YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।